नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम पहले विधानसभा गैलरी के सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण करेंगे, जो विधानसभा भवन में होगा। उसके बाद सीएम विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भी सरस्वती कुंज निराला नगर में शिरकत करेंगे। विधानसभा गैलरी के सौंदर्यीकरण कार्यक्रम में शामिल होंगे सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद बाकी अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। आज सीएम के कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे। एक बड़ी सौगात दे सकते हैं सीएम योगी। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भी उनके शिरकत करने की जानकारी है। अलग अलग जगह आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। विधानसभा गैलरी के सौंदर्यीकरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ और भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत कर सकते हैं। और इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ के आज क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित है? विभांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के हम आपको कार्यक्रम बता रहे हैं, जहां कई कार्यक्रमों में आज सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक कार्यक्रम आज भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। साथ ही साथ सीएम पहले विधानसभा गैलरी के सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण करेंगे, जो विधानसभा भवन में होगा। उसके बाद सीएम विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, जो कि कुंज निराला नगर में होगा, और वहाँ पर मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ में आज सीएम योगी के सारे कार्यक्रम हैं। आज लखनऊ में ही सभी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, सौगातें दे सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को। और सबसे बड़ा कार्यक्रम जो आज का माना जा रहा है, वो है विधानसभा गैलरी के सौंदर्यीकरण का, जिसका आज लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में आज क्या कुछ कार्यक्रम है? जी शिखा, आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री आज 12 बजे विधानसभा के अंदर में पिक्चर गैलरी एवं विधानसभा में जो कुछ ऐसे कार्य थे, जो वहां पे अगर बात की जाए तो ऐसे कुछ सौंदर्यीकरण कार्य भी है जो विधानसभा के अंदर में किए गए हैं, इसका आज शुभारंभ करेंगे। वहीं आपको बताएं कि विधानसभा के अंदर में पिक्चर गैलरी बनाई गई है, पिक्चर से सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है, उसका शुभारंभ करेंगे। अगर हम विधानसभा में देखें तो अब तक चाहे बात की जाए गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, वहां से लेकर और तत्कालीन योगी आदित्यनाथ तक के तस्वीर लगाए गए हैं विधानसभा में, अब उनके बारे में कुछ ना कुछ बताया गया है। वहीं आपको बताया कि शिखा, इस पिक्चर गैलरी में अब विधानसभा से जुड़े इतिहास और विधानसभा में चुने गए जो नेता है, जो वरिष्ठतम नेता है, जो पूर्व में नेता रहे हैं, उनकी भी तस्वीरों को लगाया जाएगा, और विधानसभा के इतिहास को इस पिक्चर गैलरी के माध्यम से बताने का काम किया जाएगा। और अगर बात करें तो विधानसभा के अंदर में कई ऐसे कमरे हैं जहां विधानसभा के अगर बात की जाए तो विधानसभा के इतिहास के बारे में चीजें हैं, मगर अगर बात की जाए तो विधानसभा के अंदर में पिक्चर गैलरी की शुरुआत अब की जा रही है, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है। जी, और क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के आज? जी आपको बता दें कि आज निराला नगर स्थित एक स्कूल जाएंगे, जहां वो एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, और कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान जो आसपास के लोग हैं, जनता है, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, साथ ही साथ अपना संबोधन भी देंगे। वहीं आपको बताएं कि आज निराला नगर वो जब मौजूद रहेंगे तो स्थानीय विधायक नीरज बोगा भी उनके साथ रहेंगे, और आपको बताएं कि मुख्यमंत्री हर दिन कहीं ना कहीं भ्रमण पे रह रहे हैं, चाहे बात की जाए तो वो सूबे के हर एक जिलों में जाकर वो
वहां का हाल और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। उसी क्रम में राजधानी लखनऊ के निराला नगर में स्थित एक निजी स्कूल में वो आज शिरकत करेंगे और वहां एक कार्यक्रम भी रखा गया है जिसमें आपको बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें ऐसे कई सारे जो आजादी के अमृत महोत्सव के थीम पे हो रहे, ऐसे कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बच्चों के द्वारा देखे जाने की आशंका है कि वहां बच्चे स्कूल के जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रदर्शित करेंगे मुख्यमंत्री के समक्ष। और आपको बताया कि जो आजादी के 75 साल हुए हैं उसमें जो कुर्बानियां हैं, साथ ही साथ आजादी मिली उसपे भी बातें होंगी। जैसे कहा विभाषु, अगर बात करें विधानसभा गैलरी की तो इसमें आम जनता को क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी, क्या आम जनता भी वहां पे जाके अभी तक के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के उनके बारे में जान सकती है इस गैलरी के जरिए? जी शिखा, आपको बताया कि विधानसभा के अंदर में विधानसभा पास लगता है वो महज विधानसभा के जो सदस्य होते हैं और साथ ही साथ जो मान्यता प्राप्त पत्रकार, या अगर बात करें तो विधानसभा द्वारा जो जिनको अनुमति होती है वही जाकर विधानसभा में वो सब देख सकेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए तो वो अति संवेदनशील जगहों में से एक है, क्योंकि प्रदेश भर के 403 विधानसभाओं से चुनकर जो विधायक आते हैं वो बैठते हैं, पूरे प्रदेश का कामकाज होता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो फोटो के माध्यम से जो अन्य लोग होंगे वो देख सकेंगे, मगर विधानसभा के अंदर ऐसी कोई प्रदर्शनी का स्थल नहीं बनाया गया कि लोग जाके देखेंगे। जैसे कहा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता विभाषु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो विधानसभा गैलरी का सौंदर्यकरण का काम पूरा हो गया है जिसका लोकार्पण आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। आपको बता दें कि इस गैलरी में अभी तक के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के उनके बारे में जानकारी दी गई है। रुक करते अगली खबर की तरफ। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। आज वाराणसी कोर्ट में अजय मिश्रा की तरफ से 6 और 7 मई को कोर्ट के आदेश पर किए गए सर्वे रिपोर्ट की पेशी होगी। कोर्ट कमिश्नर के पद से हटाए गए अजय मिश्रा ने बुधवार की शाम को ही वाराणसी जिला अदालत में अपनी सर्वे रिपोर्ट दी है। 70 पन्ने की इस रिपोर्ट में उन्होंने हिंदू धर्म के प्रतीक और अवशेषों को मिलने का जिक्र किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन और मुस्लिम पक्ष के सहयोग नहीं मिल पाया है। आज काफी अहम दिन माना जा रहा है क्योंकि 2 दिन का समय दिया गया था और उसके बाद अब रिपोर्ट पेश करनी है कोर्ट में, पेशी की जाएगी रिपोर्ट कोर्ट में। आपको बता दें कि कई बातें कही गई हैं इस रिपोर्ट में। ऐसा माना जा रहा है कि यह बताया जा रहा है कि कई साक्ष्य मिले हैं हिंदू मंदिर के, हिंदू देवी देवताओं के। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में आज काफी अहम दिन है। वाराणसी कोर्ट में अजय मिश्रा की तरफ से 6 और 7 मई को कोर्ट के आदेश पर किए गए सर्वे रिपोर्ट की पेशी है आज। और कोर्ट कमिश्नर के पद से हटाए गए अजय मिश्रा ने बुधवार की शाम को ही वाराणसी जिला अदालत में अपनी सर्वे रिपोर्ट दी है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभाषु जुड़ चुके हैं। विभाषु, आज काफी अहम दिन माना जा रहा है और जो रिपोर्ट पेश होनी है ऐसा भी माना जा रहा है कि उसमें कई ऐसी बातें हैं जो कि बता रही है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पे हिंदू मंदिर के कई साक्ष्य मिले हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी शिखा, आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने जाकर कोर्ट के आदेश के बाद वहां सर्वे का काम किया, साथ ही साथ वीडियोग्राफी का काम किया। अब वीडियोग्राफी की आपकी बात करें तो कल इस पे सुनवाई होनी थी मगर वकीलों के प्रदर्शन की वजह से कल सुनवाई नहीं हुई। आज आपको बताया सिखा कि आज सुनवाई माना जा रहा है कि 2 बजे तक कोर्ट में जो ज्ञानव्यापी परिषद की जो रिकॉर्डिंग है एवं दस्तावेज है वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे। आपको बताया कि कोर्ट कमिश्नर ने के द्वारा ये जानकारी दी गई है और माना यह जा रहा है कि जो याचिकाकर्ता है दोनों तरफ के वो सुनवाई में मौजूद होंगे और सुनवाई के दौरान देखने वाली बात ये होगी कि तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोडर मल द्वारा निर्मित शिवलिंग है जिसे अकबर के वित्त मंत्री तोडर मल द्वारा निर्मित किया गया था। वहीं आपको बताया कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो मस्जिद है ये आपके औरंगजेब द्वारा बनाया गया है और इसे जो शिवलिंग का दावा किया जाए वो महज एक फुहारा है।
जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है कि अगर फुहारा है तो उसे चलाकर दिखाएं। जी। तो वही आपको बताएं कि दोनों पक्ष की दलील को सुनकर और कोर्ट परिषद जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो पत्थर का नमूना लिया गया है, साथ ही साथ ऐसे कई सारे जो नियम होते हैं उसको देखते हुए उनकी तरफ से सर्वे किया गया है, तो वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और माना यह जा रहा है कि आज का दिन काफी अहम है क्योंकि ज्ञानवापी मामला 1991 से कोर्ट में चल रहा है और इस पे देखे तो अगर 30 साल लगभग हो चुके हैं, 30 से 31 साल, तो इन सब सालों में अगर देखें तो 2022 ज्ञानवापी मामले को लेकर काफी चर्चित होने वाला है क्योंकि फैसले की पैरवी में जो तेजी आई है 2022 में आई है, वही अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट सभी साक्ष्यों को देखकर क्या फैसला लेता है। वही आपको बताए कि जो वजू खाना था ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर में जहां से शिवलिंग की बात की जा रही है उस जगह को प्रतिबंधित किया गया है और जो वजू की जगह है उसको कोर्ट ने चेंज करके अभी जब तक मामला कोर्ट पे है तब तक नवाज अदा की जाएगी मगर वजू का स्थान को बदल दिया गया है। वही अगर हिंदू पक्ष की बात करें तो उसकी तरफ से तमाम दलीलें दी जा रही है और हिंदू पक्ष में जो तमाम याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से कहा गया है कि नंदी को बाबा मिल गए। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट के फैसले में क्या निकल के आता है, उस सर्वे में क्या होता है। जी विभांशु, सर्वे तो कर लिया गया है, कई याचिकाएं दायर की गई थी लेकिन अभी सिर्फ सर्वे हुआ है, और अगर बाकी की याचिकाओं के बारे में बात करें तो और किन किन चीजों को लेकर याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की है। जी जी शिखा, आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की तरफ से कहा यह गया है कि गौरी श्रृंगार कि जो मंदिर था यानी कि शिव जी की अर्धांगिनी पार्वती का जो मंदिर था वो ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पे था। और साफ तौर पे याचिकाकर्ताओं का कहना है और कुछ पुरातत्व उनकी तरफ से दलीलें दी गई हैं कि जो नंदी है वो महज कुछ दूरी पर जहां महादेव हुआ करते थे उसके महज 40 फीट की दूरी पे है लगभग। तो कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता और साथ ही साथ जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक भावा है और हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम दलीलें दी जा रही हैं। वहीं कहा जा रहा है कि ये आम पत्थर नहीं बल्कि पारस पत्थर है और कुछ लोग का ये पारस नहीं माफ करिएगा पन्ना का पत्थर है। वहीं अगर आईआईटी बीएचयू के एक प्रोफेसर की बात करें तो उनकी तरफ से बयानों में कहा गया है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक शिवलिंग है और इसे आपको बताएं कि जो पत्थर के नमूने के ऊपर जो टूटा हिस्सा दिख रहा है तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये बाद में आगे चलकर ऊपर से कुछ व्हाइट सीमेंट जैसे पदार्थ की वहां लगाए गए हैं जिससे इसका शकल बदल गया है। वही आपको बताएं कि 1991 में पहली बार याचिका डाली गई और ये मामला आपको बताएं कि इसमें प्रथम अगर देखे तो 5 महिलाओं के द्वारा किया गया था मगर अंत में देखे तो 4 महिलाएं इसमें सक्रिय हैं। जी विभांशु, अगर बात करें सुनवाई की तो सुनवाई कितने बजे तक होने की संभावना है? जी शिखा, आपको बताएं कि जो 3 दिनों के सर्वे हुए उसके बाद जो वहां से वीडियो एविडेंस निकले हैं वो कोर्ट और जो पेपर रहे हैं वो 2 बजे कोर्ट को प्रस्तुत किए जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन सभी चीजों पर कोर्ट जो है वो दोनों पक्ष के लोग और एक पर्यवेक्षक की नजर में जो सर्वे किया गया है तो इन सर्वे का रिपोर्ट देखने पर क्या फैसला लिया जाता है या इसको आगे की डेट दी जाती है। जी। तो कहीं ना कहीं देखें तो कोर्ट से आज दोनों पक्षों की आशा अपेक्षाएं बढ़ गई है कि आज फैसले के दिन है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट इन सभी एविडेंस को देखने के बाद क्या फैसला लेता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो आज कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी और सर्वे रिपोर्ट पेश करने के बाद इस पे सुनवाई होगी। दोनों पक्ष ही इस सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं, साक्ष्य देखे जाएंगे और साक्ष्य के आधार पर ही कोर्ट सुनवाई करेगा। देश में ईंधन के मोर्चे पर लगातार महंगाई का करंट लगातार जारी है और आज एक बार फिर गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। अब पूरे देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 1,000 रुपए के पार हो गए हैं। आज घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 3.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर 8 रुपए महंगा हो गया है। देश में इससे पहले 7 मई 2022 को भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ था और उस समय 50 रुपए प्रति सिलेंडर की भारी भरकम बढ़ोतरी की गई थी। इसके साथ ही मई महीने में 2 बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की जा चुकी है।
जनता पर महंगाई की एक बार फिर मार पड़ी है, जहां लगातार घरेलू गैस सिलेंडर और साथ ही कमर्शियल सिलेंडर दोनों ही महंगे होते नजर आ रहे हैं समय समय पर। और अब घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 3.50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 8 रुपए महंगा हो गया है। देश में इससे पहले 7 मई 2022 को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ था और उस समय 50 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से बढ़ोतरी की गई थी। आपको बता दें कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा जब इससे पहले हुआ था तो 50 रुपए का हुआ था और इसके साथ ही मई महीने में 2 बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की जा चुकी है। तो अभी तक 2 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है, इससे पहले बड़ा बदलाव देखने को मिला था। आपको बता दें घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के पार हो गए हैं। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 3.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है इस बार। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजय प्रताप जुड़ चुके हैं रायबरेली से। अजय, बात करी जाए महंगाई की तो महंगाई की लगातार मार पड़ रही है आम जनता पे। घरेलू गैस सिलेंडर एक बार फिर महंगे हो गए हैं, इससे पहले 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, आज भी 3.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कितनी मार पड़ रही है जनता को महंगाई की? जरूर पड़ रहा है। बात की जाए गैस सिलेंडर की तो उसके अंदर गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है लगातार, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोगों में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों में कह रहे हैं कि जो बढ़ोतरी हो रही है ठीक तरीके से हो रही है, क्योंकि आगे चल के जो बजट है वो सही वक्त जो लोग कमाते हैं उनका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए आम आदमी की तो वो लगातार चुकी जाएगी, क्योंकि गैस सिलेंडर बढ़ने से कहीं ना कहीं और भी चीजों में बढ़ोतरी होती जा रही है। क्योंकि अगर आप सुबह चाहे गैस सिलेंडर बढ़ने से तो मार्केट में किराया होगा वो बढ़ता चला जाएगा। रेस्टोरेंट की बात की जाए, चाहे वो समोसा हो या कोई भी फास्ट फूड हो, उसको लेकर उसकी भी महंगाई बढ़ती चली जाएगी। कहीं ना कहीं इसका असर जो है गैस सिलेंडर का इन सब चीजों पर दिखेगा। जी अजय, जिस तरह से लगातार महंगी हो रही है गैस, तो क्या लोग घरेलू चीजों के लिए, घरेलू काम के लिए क्या किसी और चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, सब्सिडी कितनी मिल रही है इस वक्त लोगों को? नहीं सी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर गैस सिलेंडर लगातार बढ़ेंगे तो लोग जो है, जो रसोइयाँ होती हैं, महिला होती हैं घर की, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जाएंगी, इंडक्शन चूल्हा इस्तेमाल करेंगी। लेकिन उसमें भी कई लोगों को खतरा साबित हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इंडक्शन जो होता है, जो इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं, वो कहीं ना कहीं जो है करंट से डर लगता है उनको, तो करंट से कहीं ना कहीं डर लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखी जाए बात की जाए तो महंगाई को लेकर गैस सिलेंडर से, कहीं ना अगर गाँव घर की बात की जाए तो कुछ लोग चूल्हे पर लकड़ी का इस्तेमाल करें, क्योंकि लकड़ी से भी उनको बहुत फायदा होगा। क्योंकि अगर बात की जाए जो 400-500 आदमी रुपए प्रति दिन कमाता है, मजदूरी करके लेके आता है किस तरीके से, और जो 250-300 के आदमी है वो जो है इस तरह लगातार इतनी महंगाई नहीं झेल पाएगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लकड़ी का इस्तेमाल करके घर चलाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रायबरेली से अजय प्रताप जुड़े हुए थे। तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के भी पार हो गए हैं। अब घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 3.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी की गई थी और अब घरेलू सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है, जिससे 1000 रुपए के पार हो गया है घरेलू सिलेंडर। और लगातार महंगाई की मार पड़ रही है आम लोगों पर और जनता महंगाई से त्रस्त नजर आ रही है। तो एक तरफ पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है और दूसरी तरफ एलपीजी गैस सिलेंडर भी महंगा हो रहा है। अगर जनता उपयोग करना चाहे इलेक्ट्रॉनिक, तो वहां पे भी बिजली का संकट देखने को मिल रहा है, कभी भी बिजली कट जाती है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। ग्रामीण इलाकों में लोग चूल्हे का उपयोग करने को मजबूर हैं और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए कानपुर से संवाददाता रिजवान आलम जुड़ चुके हैं। रिजवान, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना असर पड़ेगा घरेलू एलपीजी सिलेंडर के महंगे होने से? अभी कुछ समय पहले की बात है, इसमें कोरोना काल से इंसान बाहर निकला है, जिसको लेकर इंसान वैसे ही आज तक उसी माहौल में घिरा हुआ है और आज भी वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है और अपने अपने रोजी रोजगार को नहीं ढूंढ पा रहा है। एलपीजी के मैं आज दिन के रेट बढ़ना ये अच्छी बात नहीं है,
जिसको लेकर घरेलू पूरा डिस्टर्बेंस बन जाता है परिवार में और आदमी कहीं ना कहीं उस पर बड़ी दिक्कतों कठोर कठिनाइयों का सामना करता है। जी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा अब इस महंगाई के बाद, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर लोग गैस सिलेंडर का ही उपयोग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गैस का कनेक्शन तो हो गया है लेकिन जिस तरह से रेट बढ़ते जा रहे एक बार फिर वो चूल्हे की तरफ ही लौट रहे हैं। कहीं ना कहीं शहरी लोग अपना अपना भरण पोषण के लिए कहीं ना कहीं अपना इंतजाम कर लेंगे, वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो उनके लिए वो एक बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर ग्रामीण पहले से वही ज्यादा परेशान रहता है इसी कभी गेहूं के मूल्य के वृद्धि से कभी इधर, तो सबसे ज्यादा मजबूरी ग्रामीण के आगे आ जाती है जिसको लेकर ग्रामीण और ज्यादा चिंता में रहेगा। जो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता कानपुर से रिजवान आलम जुड़े थे। तो लोगों को महंगाई की मार झेलने को मिल रही है क्योंकि लगातार गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो रही है और आज भी घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 3.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और दाम अब 1000 रुपए के पार हो गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।